नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और पाइथन के अंदर आज हम करेंगे नेस्टेड फॉर लूप के बारे में। देखिए, हमने लूपिंग स्ट्रक्चर की बात की थी, तो हम एक लूप को यूज किया करते थे, लेकिन कई बार हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी हो जाती है कि हमें मल्टीपल लूप्स का यूज करना पड़ता है। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर मल्टीपल लूप के अंदर फॉर लूप की, कि आप फॉर लूप को मल्टीपल लूप्स में कैसे यूज कर सकते हो। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलाउ टू यूज वन लूप इनसाइड अनदर लूप, कि एक लूप के अंदर आपकी दूसरी लूप होगी। फॉलोइंग सेक्शन शो फ्यू एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट अ कॉन्सेप्ट, किस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल को स्टडी कर रहे हैं। तो सिंटैक्स क्या है सबसे पहले नेस्टेड फॉर लूप के लिए, कि आप यहाँ पर फर्स्ट लूप लगाओगे फॉर जो भी उसका वेरिएबल है जिस सीक्वेंस को परफॉर्म करना चाहता है, फिर इंडेंशन जो आपकी आएगी उसके अंदर आप सेकंड लूप को लगाओगे फॉर जो वर्किंग आप वहां परफॉर्म करवाना चाहते हो सीक्वेंस की, फिर उसकी स्टेटमेंट और फिर आपकी जो फर्स्ट लूप है उसकी स्टेटमेंट। जैसा कि आप मेरे एग्जाम्पल में देख रहे हो, मैंने यहाँ पर दो लिस्ट क्रिएट की है। एक लिस्ट के अंदर मैंने यहाँ पर रखे हैं कुछ वैल्यूज जैसे रेड, ग्रीन, टेस्टी, और नेक्स्ट में मैंने यहाँ पर कुछ रखे हैं फ्रूट्स। तो मैं यहां पर क्या करता हूं कि सबसे पहले मुझे यहां पर x in जो भी मेरे पास ऑब्जेक्ट्स हैं उन ऑब्जेक्ट्स की मैंने लिस्ट प्रोवाइड कर दी। इसी तरह 4y in फ्रूट जो मैंने यहां पर फ्रूट प्रोवाइड कर दिया। मैं जब प्रिंट करता हूं, प्रिंट पहले मैं x को करता हूं फिर मैं y को करता हूं, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले रेड पे जाएगा और रेड के अंदर जो फ्रूट्स हैं उन सभी फ्रूट्स का वो नाम दे देगा, जैसे रेड एप्पल, रेड बनाना, रेड चेरी। जैसे ही रेड की वर्किंग कंप्लीट हुई वो नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएगा बिग, बिग एप्पल, बिग बनाना, बिग चेरी। इसी तरह से वो थर्ड एलिमेंट पे जाएगा टेस्टी एप्पल, टेस्टी बनाना, टेस्टी चेरी। तो आइए इस वर्किंग को हम अपने लूप के अंदर देख लेते हैं कि किस तरह से हम नेस्टेड लूप को यूज कर सकते। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिस्ट क्रिएट करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर वेरिएबल लिया और उसके अंदर मैंने लिस्ट क्रिएट कर दी। लिस्ट के लिए आप ब्रेसिस का यूज करते हो, आपको पता ही है कि आप यहाँ पर ब्रेसिस यूज करोगे। तो लिस्ट के लिए हम ब्रेसिस का यूज करते हैं और ब्रेसिस में मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट डाल दिया रेड, सेकेंड एलिमेंट डाल दिया बिग, थर्ड एलिमेंट में यहां पर डाल देता हूं स्वेट, और फोर्थ एलिमेंट में यहां पर चाहूं तो मैं कुछ और डाल सकता हूं। जैसे मैंने यहां पर फोर्थ एलिमेंट डाल दिया कॉस्टली, मैं नेक्स्ट लिस्ट तैयार करता हूं यहां पर एफआर की फ्रूट्स के नाम से, और इसके अंदर मैं फ्रूट्स के नाम दे सकता हूं। जैसे मैंने यहां पर पहला नाम दे दिया बनाना, फिर मैंने यहां पर सेकेंड नेम दिया मैंगो, फिर मैंने थर्ड नेम लिया चेरी। तो मैं ये तीन एलिमेंट यहां पर यूज कर रहा हूं, और अब इसका यूज मैं करूंगा लूप्स के थ्रू, कि लूप्स के थ्रू हम लिस्ट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर लूप के थ्रू एक लिस्ट को एक्सेस करके देखते हैं कि उसमें वर्किंग कैसे परफॉर्म होगी। फॉर एडीजे एन फॉर एक्स इन एडीजे, तो इसने आपकी इंटेंशन परफॉर्म कर दी। अगर मैं यहां पर सिंपल करूं प्रिंट एक्स, तो वर्किंग को परफॉर्म कर देगा, बिग स्वीट कॉस्टली रेड जो भी उसकी वर्किंग है उसने प्रोवाइड कर दी। अब मैं कहता हूं कि मुझे इस लूप के अंदर भी लूप को परफॉर्म करना है, तो जब आप इस पोर्शन पे है तो आपको यहां पर लूप लगानी है, और जब मैं यहां पर लूप लगाऊंगा तो मैं यहां पर इस तरह से लगाऊंगा फॉर वाई इन एफ आर। अब देखिए उसने उसकी इंटेंशन को पहले ही हटा दिया, तो जैसे वह उसकी इंटेंशन यहाँ अलग लोकेशन पे आ चुकी है तो आप इसको यूज कर सकते हो इसी तरह से इस स्टेटमेंट को। ये आपका वाई का पार्ट बन गई, और अगर मैं यहाँ कर दूं एक्स कोमा वाई, प्रोग्राम को रन करूं तो मेरे पास वही लिस्ट परफॉर्म हो चुकी है। अब मैसेज मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मैं जैसा मर्जी यहाँ पास कर दूं। मैंने यहाँ कर दिया दिस इज, आपकी वर्किंग उसी तरह से परफॉर्म हो जाएगी। ये देखिए, तो आपकी वर्किंग उसी तरह से परफॉर्म हो जाएगी जैसा आप इसको परफॉर्म करते हैं। दिस इज रेड बनाना, दिस इज रेड मैंगो, दिस इज रेड चेरी, दिस इज बिग बनाना, दिस इज बिग मैंगो, दिस इज बिग चेरी। तो आप दो लिस्ट को यहां पर इकट्ठा शो करवा पा रहे हो। अब अगर आप इसमें और रिजल्ट देखना चाहते हो कि मेरे को यहां सेपरेशन प्रोवाइड करनी है, तो मैं इस तरह से कर सकता हूं। मैंने एक वाई की लूप की वर्किंग परफॉर्म करवा दी, और दूसरी वर्किंग जो मैंने है वो मैंने एक्स की लूप की परफॉर्म करवा दी। तो अब आपके पास दोनों का डिफरेंस आपको पता लग जाएगा कि पहले थ्री प्रिंट होंगे, फिर अगली वैल्यू आएगी, फिर थ्री प्रिंट होंगे, फिर अगली वैल्यू आएगी, इस तरह से। ये देखिए, दिस इज बनाना, दिस इज मैंगो, दिस इज चेरी, उसके बाद आया रेड। दिस इज बनाना, दिस इज मैंगो, दिस इज चेरी बिग। दिस इज बनाना, दिस इज मैंगो, दिस इज चेरी स्वीट। दिस इज बनाना, दिस इज मैंगो, दिस इज चेरी कॉस्टली। तो हम अब यहाँ भी मैसेज अपने हिसाब से प्रिंट कर सकते हैं जैसा भी हम देना चाहते हैं।
इट इज कॉमा, सॉरी मेरी टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, इट्स कॉस्टली। मैं रन करता हूं प्रोग्राम को तो उसी तरह से इसने वर्किंग को मुझे यहां पर परफॉर्म करके रिप्रेजेंट कर दिया जैसी वर्किंग मैं परफॉर्म करना चाहता था। पहले मेरे पास सेकंड लिस्ट जो मेरी इनर मोस्ट लूप है वो आई, फिर उसके बाद मेरे को यहां से ने दूसरी वर्किंग परफॉर्म करवाई। तो फ्रेंड्स हमारी आज की क्लास में इतना ही था, थैंक यू वेरी मच।